मेरे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं, प्रवीण सिंगारन, साथ ही प्रदीप तमटा साहब और शहनवाज हुसैन। प्रदीप, प्रवीण जी, आपने इस रिपोर्ट में अपनी बात रख दी है, मैं आपसे आगे बोलना चाहूंगा। बाबा रामदेव अब एक पॉलिटिकल शख्सियत बनते जा रहे हैं, मगर अभी भी आम इंसान में उनकी पैठ है, उनके योग को लेकर जो उनका योगदान रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि कांग्रेस उन्हें बाकायदा टारगेट कर रही है? मैं आपकी बातों का तीन चार बिंदुओं से जवाब देना चाहूंगा। नंबर वन, हम यहां बैठे हैं, हमने ना सांसदों ने कांग्रेस के, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। हमें यह खराब लगा कि जब बाबा रामदेव बार बार ये कह रहे हैं कि उनको सूली पे चढ़ा दो, उनको निकलवा दो, सब सारे नेता चोर हैं, सांसद चोर हैं, सारे विधायक चोर हैं, तो जब इतना जनरलाइज आरोप लगाया गया तो हम अपने आप ही अपनी इच्छा से, हमें लगा कि हमने जब नहीं काम किया, हम ये नहीं कहते हम राजनीति में हैं तो हमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया होगा राजनीति में, जो भी प्रॉब्लम बौखला रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यही बता रहा हूं, ये कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आप, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये कांग्रेस का नहीं है। जहां रही बात अरुणाचल की, बात अरुणाचल का, आप उस क्लिप को दोबारा दिखाइए जिसमें वो सांसद ये कहते हुए, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्लडी इंडियन। मेरा दावा है कि उन्होंने ब्लडी इंडियन या इस तरह की कोई बात नहीं करी, वो सिर्फ बाबा से ये कह रहे थे कि आप अपने सामाजिक इस योग के मंच को राजनीति और कांग्रेस को। आप एक दिलचस्प बात कह रहे हैं, आपकी बात पार्टी, मेरा एक और पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट, योगा के लिए हम उनका सम्मान करते हैं, हम भी उनके कार्यक्रमों में गए थे, योगाचार्य के रूप में उनका महत्व है, और जहां तक राजनीति की बात है, हम मानते हैं कि अब वो राजनीति में आ चुके हैं। शहनवाज का स्वागत, शहनवाज जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से प्रवीण जी इस बात को रख रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है कि दिग्विजय, उससे पहले अरुणाचल कांग्रेस, और अब जिन सांसदों ने मुद्दा उठाया वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि में, आप क्या इसे इतने सरल तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये इतना सरल नहीं है। देखिए, देश में भ्रष्टाचार है, आम आदमी इस बात पर चर्चा कर रहा है, मीडिया में आप हैं, भ्रष्टाचार पर आप डिबेट कर रहे हैं। जब देश में भ्रष्टाचार होगा, लोकतंत्र होगा, तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का हर नागरिक को अधिकार है। एक नागरिक की तरह स्वामी रामदेव के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। सवाल यह है कि जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता है, ये IPL का घोटाला होता है, ये कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला होता है, तो वो आम आदमी की वेदना उनके जबान से निकलती है। उस पर इतना नाराज हो जाना कि अब ये कहिए कि स्वामी रामदेव ने जो संपत्ति अर्पित की है, आप ये कह दें कि वो संपत्ति में अगर उनको कोई कमी है तो भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदमी को भेजे। दिग्विजय सिंह नहीं, पर बीजेपी बनाम कांग्रेस इस तरह का पोलराइजेशन नहीं, ऐसा कोई पोलराइजेशन नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो एक संत हैं, और वो योग में उन्होंने बहुत कमाल करके देश में दिखाया है, योग की क्रांति की है। और ऐसे व्यक्ति के मन में अगर कोई वेदना होती है, रखते हैं बात, तो अब इतना नाराज होने की बात नहीं है। उन पर इस तरह का उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी नेता का नार्को टेस्ट कराया जाए, उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रदीप तमटा साहब, यहां एक सीधा मामला दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं साथ खड़े दिखाई दे रही है रामदेव जी के साथ, मगर आप एक ऐसे शख्स पर हमला कर रहे हैं जिनसे इस देश की जनभावनाएं जुड़ी हैं, काफी बड़े वर्ग की, आप खतरे से तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम हमला उस न किसी व्यक्ति पर है, हमारा तो सीधा सा लड़ाई है, इस देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है, इस देश में काले धन के बढ़ते हुए प्रभाव को सब कम करके आगना चाहते हैं। हम रामदेव जी से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं, जिस हरिद्वार की धरती से आप ये सारी बातें कह रहे हो, उसी हरिद्वार की धरती में आपने कहा था कि एक प्रदेश के एक मंत्री ने 2 करोड़ रुपए मांगे, आज आप खुद कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट आप देने को तैयार हो, ये बताए कि कौन वो प्रदेश, उत्तराखंड के प्रदेश का मंत्री है जिसने आपसे 2 करोड़ रुपए मांगे? उस हरिद्वार की भूमि में पूरे के पूरे एक सरकार के खिलाफ 56 विद्युत घोटाले में, सवाल यही है, अगर आप राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, शहनवाज जी ने कहा हम उनकी संपत्ति की मांग है, यह है कि उनके पास 15 साल पहले कुछ संपत्ति नहीं थी, आज उस संपत्ति का अर्जन का क्या सोर्स है, यह हमारी मांग है। चलिए, जब आप तमाम आरोप उठा रहे हैं, आप भी है ना, है वो इनकम टैक्स, बाबा ये बताए यहाँ पर जो बात नजर आ रही है, बाबा कहाँ हरिद्वार में संपत्ति, ये
एक के हैं ना। देखिए वो योग से जो लोग उन्होंने दान किया है उससे संपत्ति बात सुनिए, मुझे लग रहा है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे देगा।